अभिरूप, तुम ये सिंदूर लतिका की मांग में लगा के, गले में मंगलसूत्र पहना के इसे वो सारे मान सम्मान दो जो हमारी लतिका बहू को बहुत साल पहले ही मिल जाने चाहिए थे। हाँ जी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूं। मैंने अपने गुस्से, अपनी नफरत के चलते अपने ही परिवार वालों को दुश्मन बना लिया। आप सबको चोट पहुंचाने की कोशिश के लिए उसके लिए माफी मांगती हूँ। पर आपका बड़प्पन देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी आप मुझे अपना रही हैं। इस घर के हर बहू के साथ मुझे भी वही सम्मान दे रही है जिसे जिसे मैं हमेशा से पाना चाहती थी। नहीं लतिका बहू, सबको भूल जाओ। गलतियां हम सबसे हुई हैं, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि हम अपनी भूल समझ के उसे सुधार रहे हैं। अब आज के बाद इस घर में सिर्फ प्यार रहेगा, नफरतें नहीं। आज के बाद इस घर में हर रिश्ते का सम्मान होगा, अपमान नहीं। खुश रहो तुम दोनों। दुर्गा बहू, आज कुल गुरु जी ने तुम्हारी पूजा रखी हुई है घर पे। संपूर्णा जी भी आ रही हैं, वो भी कुछ रस्में करना चाहती हैं। जी। मासीमा, मासीमा आप आ गए? कैसी है? बैठ जाओ। हाँ? सुनना, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? हाँ बोलिए ना। वो मेरी बात ना पंडित जी से हुई, तो वो कह रहे थे ग्रह दिशाएं उनमें बदलाव आ गया है, तो अब अनिर्बान और दुर्गा की शादी करने के लिए हमें 21 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज ही जो पूजा हो रही है ना, वही वो शादी के मंत्र पढ़ देंगे और माला भी अदली बदली करवा देंगे। अनिर्बान और दुर्गा मन कर्म और वचन से पति पत्नी बन जाएंगे। उसके बाद तुझे ये रक्षा सूत्र और सिंदूर धारण करने की कोई जरूरत नहीं होगी। सुना, तेरे कंधे पर से ये बोझ और जिम्मेदारी हट जाएगी। आज तू यही चाहती थी ना, खुश है ना? मैं भी क्या पूछ रही हूँ, यही तो तू चाहती थी है ना? है ही चारू। हाँ मासीमा, मैं यही चाहती थी कि दुर्गा और अनिर्बान का रिश्ता रीति रिवाज से हमेशा के लिए जुड़ जाए, और इससे खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। एक मिनट, वो पंडित जी कह रहे थे कि शादी से पहले ना तुम्हारे और अनिर्बान की शादी का जो गठजोड़ा है उसे खोलना होगा, तो उसे खोल देना। हाँ सुना, गठजोड़ा खोलना होगा? हाँ खोलना तो होगा ना, उसी से तो तुम्हारे और अनिर्बान की शादी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, फिर तुम दोनों पति पत्नी नहीं रहोगे। खोल दे सुना, और नीचे आ जा, मैं नीचे जा रही हूँ। ठीक है, और शुभ लक्ष्मी में। Thank you.
कह रहे थे कि शादी से पहले ना तुम्हारे और अनिर्बान की शादी का जो गठजोड़ा है उसे खोलना होगा, तो उसे खोल देना हाँ सुना। उसी से तो तुम्हारे और अनिर्बान की शादी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, फिर तुम दोनों पति पत्नी नहीं रहोगे। अनिर्बान का रिश्ता जुड़ा रहे, जब मैं अनिर्बान से प्यार नहीं करती हूं तो तुम मुझसे ये गांठ जुड़ा क्यों नहीं खोल रहा है? क्यों मैं इतना ज्यादा सोच रही हूं? क्यों सोच रही हूं? क्योंकि तुम्हारे दिल में भी वही है जो मेरे दिल में है। जितना चाहे झूठ कह लो, खुद से मुझसे अपने दिल को लाख मनाने की कोशिश कर लो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, लेकिन सच्चाई नहीं बदलेगी ना। एक एहसास तो है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, हमारे इस रिश्ते के लिए, क्योंकि तुम लाख जुटलाने की कोशिश कर लो चारों, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकती। और सच्चाई यही है कि शादी हमारी हुई है और दिखता है मुझे तुम्हारी आंखों में कि तुम भी वही प्यार महसूस करती हो जो मैं महसूस करता हूं तुम्हारे लिए। शायद इसीलिए तुमसे एक गठजोड़ा नहीं खोला जा रहा है, क्योंकि जीवन भर का गठबंधन हमारा बना है, तुर्का और मेरा नहीं। ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि अगर किसी को साथ रहना है ना तो वो तुर्का और मुझे नहीं, अनिर्बान और चारू को रहना है। जानती हो तुम ये बात। जब तक हमारी दुर्गा बहू अनिर्बान की पत्नी उसका सुरक्षा कवच उसके साथ है, उसे कुछ नहीं हो सकता। तुम चुमकी को कल यहां से लेकर चली जाओ। नहीं,
मतलब मैं तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। सच्चाई यही है कि शादी हमारी हुई है, कि अगर किसी को साथ रहना है ना तो वो दुर्गा और मुझे नहीं, अनिर्बान और चारू को रहना है। दुर्गा तुम यहाँ? दुर्गा ये आंसू क्यों? खुशी के आंसू अनिर्बान, या फिर दुख के, या फिर नाराजगी के, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूं तुमसे। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तो कैसे करूं? एक बात बताओ, पति पत्नी से पहले तो हम दोस्त थे ना? थे ना? तो फिर मुझ पे भरोसा नहीं था, या फिर हमारी दोस्ती पे भरोसा नहीं था? अनिर्बान मुझे एक बार कहकर तो देखते कि आप मुझसे नहीं चारू से प्यार करते हो। एक बार तो भरोसा करके देखते। अरे मैं खुशी खुशी चारू के हाथों में आपके नाम की मेहंदी लगाती, मैं खुद आप दोनों की शादी करवाती। अनिर्बान, मैं किस्मत से तो लड़ी नहीं पाई, देखो ना भगवान ने भी मेरी जगह चारू से आपकी शादी करवाई, क्योंकि आपके दिल में तो चारू थी, मैं तो थी नहीं। मैं ये तुमसे कभी नहीं छुपाना चाहता था। होली वाले दिन मैं तुम्हें बताने भी आया था, मुझे लगा कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन वहां कोई और था। हाँ दुर्गा, ये सच कि मेरे दिल में चारू है। जिस दिन मैंने तुमसे शादी करने का फैसला लिया ना दुर्गा, उस दिन मैंने वो सारी रस्में, सारी कसम पूरी ईमानदारी से निभाई। मैंने खुद को समझा दिया था कि अब इस गठबंधन को पूरी ईमानदारी के साथ जिंदगी भर निभाना है। चारू को बुलाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं चारू को अपने दिल से, अपने जहन से निकाल दूं, लेकिन किस्मत का खेल देखो, इससे पहले मैं उसे भुला पाता, इस किस्मत ने मुझे बता दिया कि मेरी शादी तुमसे नहीं चारू से हुई। तो आपने सबको क्यों नहीं बताया कि आप चारू से प्यार करते हो, आपकी शादी चारू के साथ हुई है? तो आप दोनों को साथ में होना चाहिए। तो अनिर्बान क्यों जबरदस्ती के रिश्ते का बोझ लेकर चल रहे थे? क्यों चारू के साथ नई जिंदगी शुरू नहीं करते हो आप? क्यों? जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मेरा हाथ थामने को तैयार ही नहीं। जब वो ही हाथ थामने को तैयार नहीं है तो मैं दुनिया से जाके क्या कहूं, अपने प्यार का इजहार कैसे करूं, दुनिया को क्या बताऊं, जब चारू ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती। पर क्यों? क्योंकि शायद वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। नहीं करती तुमसे प्यार। अनिर्बान का नाम जुड़ेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ दुर्गा के साथ। मैं दुर्गा और अनिर्बान के रिश्ते का गांठ जोड़ा कभी टूटने नहीं दूंगी। जैसे आज संभाला वैसे आगे भी संभालूंगी। मेरे हिस्से की खुशी भी तुझे मिल जाए तो बस ऐसे ही मुस्कुराती। अगर तुम्हारे सच बताने से दुर्गा की जान गई तो वो अकेले नहीं मरेगी अनिर्बान, मैं भी अपनी जान दे दूंगी। अपने प्यार के लिए इस दुनिया से कैसे लड़ू, जबकि जिसके लिए मैं लड़ना चाहता हूँ वो मेरे साथ ही नहीं। तकदीर का खेल देखो मेरे साथ, तकदीर हमें जोड़ रही पर वो नहीं मानने को तैयार है। भगवान मेरे साथ,
भगवान मेरे साथ इस रिश्ते में है, लेकिन चारू ही मेरे साथ। चारू ने इतना सब कुछ किया मेरे लिए, इतनी कुर्बानी दी, पर अब और नहीं। अनिर्बान, मैं आपसे वादा करती हूं अनिर्बान, आप दोनों उस बंधन से जुड़ोगे जिसे भगवान ने खुद जोड़ा। कैसे? चारू को अच्छी तरह जानती हो ना तुम, बहुत जिद्दी है, कभी नहीं मानेगी। मानेगी? अब मैं बात करूंगी उससे। आइए अशुन, अशुन वो पुरोहित जी आ गए। नमस्कार। कल्याण। आई बेरा जी। पंडित जी कह रहे थे कि शादी से पहले ना तुम्हारे और अनिर्बान की शादी का जो गठजोड़ा है उसे खोलना होगा, तो उसे खोल देना अशुना, उसी से तो तुम्हारे और अनिर्बान की शादी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, फिर तुम दोनों पति पत्नी नहीं रहोगे। बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नजर ना लगे तुम्हें। आओ अनिर्बान और हमारी बहू के साथ पूजा में बैठो, आओ। खूब मिष्टी लग रही। विष्णु विष्णु विष्णु, पुष्प ले लीजिए हाथ में, आप भी लीजिए। समर्पित कर दीजिए यहाँ पे। छोटे बाबू, अब आप दुर्गा की मांग सिंदूर से भरिए। एक मिनट चारू, क्या हुआ चारू? देखी नहीं जा रही है निर्बानु मेरी शादी? दिल पे पत्थर रखकर निर्बान को मेरी मांग में सिंदूर भरने दे रही है। दुर्गा तू ये क्या, कुछ गलत कहा मैंने? ये पूजा सिंदूर, इस पे तो तेरा हक होना चाहिए ना। अनिर्बान के नाम का सिंदूर तो तेरी मांग में होना चाहिए। वाह चारू, मान गई मैं तेरी दोस्ती, इतना प्यार करती है दुर्गा से, इतना प्यार करती है दुर्गा से कि अपना ही प्यार कुर्बान करने चली थी। दुर्गा बहू, ये सब क्या बोल रही हो तुम? सच कह रही हूं मैं दादी, बता सबको, बता तूने गठबंधन खोला या नहीं? नहीं खोला ना? क्यों? खुल नहीं पाया ना? चारू क्यों खोलेगी गांठ जोड़ा? क्योंकि दादिया निर्बान की शादी मुझसे नहीं, चारू के साथ हुई है।